नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंद सोसाइटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार पर संकलित नवाचार के बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे। मैं आपको आज सरल भाषा अधिगम के मध्य प्रदेश के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश पर आधारित एक नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है छात्र संपादक और संवाददाता। छात्र संवाद जो संपाद छात्रों के दो समूह इस नवाचार में बनाए जाते हैं। पहला समूह होता है जो कि संपादक समूह होता है, दूसरा संवाददाता समूह होता है। जैसा कि संपादक जैसे कि किसी न्यूज़पेपर के लिए, समाचार पत्र के लिए जिस तरीके से संपादक और संवाददाता दोनों काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बच्चों के लिए, बच्चों में भी जो विद्यालय के स्तर पर जितनी सूचनाएं होती हैं, जितनी जानकारियां होती हैं, उनके लिए उनमें उनको जागरूकता लाने के लिए इस नवाचार का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो समूह बनाया जाता है संपादक का, तो जो संवाददाता समूह होता है वो खबरें, जो विद्यालय की खबरें होती हैं वो उन तक लाके एकत्रित करता है, और जो संपादक समूह होता है वह संपादक समूह उन खबरों को संपादित करता है। उसमें से कौन सी खबरें हैं जो मतलब उनको आगे किया जा सकता है, तो उन खबरों को ही उनमें से चुना जाता है, और ये सब कुछ शिक्षक की निगरानी में होता है। और जैसे ही सब खबरें तैयार हो चुकी होती हैं, तो उसके बाद विद्यालय स्तर पर प्रार्थना जब सभा होती है सुबह, तब वो उन खबरों के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे कि एक विद्यालय की खबर, एक विद्यालय में एक कक्षा की खबर, जिसमें कि मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने जो मासिक या जो टेस्ट लिया गया था, एक परीक्षा ली गई थी, जो साप्ताहिक तौर पर परीक्षाएं होती हैं, उसमें किसी छात्र ने बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छी उसकी उसकी जो उसका परिणाम आया बहुत सबसे सर्वोत्तम आया, तो उस बारे में भी इस तरीके की जो खबरें सकारात्मक खबरें होती हैं ये भी प्रत्येक छात्र तक पहुँच सकती हैं, और अन्य छात्र भी इस बात से प्रेरित हो सकते हैं, और वो भी ये सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने भी अच्छा किया तो वे खुद भी समाचार पत्र में या जो प्रार्थना सभा में जो समाचार पत्र समाचार जो सुनाए जाएंगे उसमें उनका भी नाम आएगा। तो इस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाता है। इसमें इस नवाचार का जो जो लाभ प्राप्त होता है वो ये प्राप्त होगा कि इससे बच्चों में, जैसे कि जो केस स्टडी है उसका नाम है सरल भाषा अधिगम, तो इससे बच्चों में भाषा के स्तर में वृद्धि होती है, और वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखने में और शब्दों के चयन में वो पारंगत हो सकते हैं और हो जाते हैं आगे चल के। इस तरीके की गतिविधि उनको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए भी साबित होती है, मददगार साबित होती है उनके सर्वांगीण विकास के लिए। मैं आशा करता हूँ कि इस नवाचार को आप अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे, और हम इसी तरीके के कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए आगे भी हम लाते रहेंगे। इस हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे ZIIEI के नाम से, और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी आप इसे ZIIEI के नाम से सर्च कर लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।